तो गाइज इन केस अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे वो एकदम एग्जाम लेवल होंगे, उसी तरीके से सब कुछ होगा और बिल्कुल एग्जाम वाली फील आपको मिलेगी। सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और 8 घंटे बाद आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा भाई, उस रिपोर्ट में एक डाटा होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे रैंक क्या था। उससे आप देख करके अपने आप को समझ पाओगे कि आपका जो एक लेवल है वो किस तरीके से है और आपको उसमें क्या क्या डेवलप करना है। देखो आप एयरफोर्स के लिए भी जा सकते हो, एनडीए के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लेना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ओपन करना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिसे भी लेना है, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए, तो आपको लेते टाइम ये कोड डालना है ABstudy50। इसे डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो अभी तो थोड़े कम प्रैक्टिस सेट्स हैं लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो आप प्लीज जाओ लगाओ। और एक और चीज, ये नहीं कि सर बोल दिए तो ले लिया, नहीं भाई, आप जाकर के देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, तो पहले डेमो लगा लेना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेक जरूर करना। चलो अभी शुरू करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभी सेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। सबसे पहले तो ये मेरी 2021 की, या फिर ये बोले कि इस दशक की, जो ये नया दशक शुरू हो रहा है, इसकी पहली वीडियो है। तो मेरी यही विशेष हैं कि आप सभी के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी एम हैं आपके, वो पूरे हो जाएं इस वर्ष में, इस दशक में, ताकि आप सब खुश रह सको अपनी लाइफ में। तो आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे अभी और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AMR SSR and AA की वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जनवरी में आपकी वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी, पूरे पूरे चांसेस हैं इसके, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और आज एक प्रूफ भी है जो कि है कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में, तो वो भी आपको सुनाऊंगा कि उसमें क्या बोला गया है ऑफिशियल्स की तरफ से। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी सब कुछ आप कवर अप कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे, AMR SSR and AA। ठीक है, इसके लिए वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बताया था कि जनवरी में आपकी वैकेंसीज़ रिलीज़ की जा सकती हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ की जा चुकी है और AMR की मेरिट लिस्ट अब फरवरी में आएगी। तो इसलिए अब इनके पास कोई भी इवेंट्स बचे नहीं हैं, तो अब एक फाइनल जो इवेंट है वो AMR SSR and AA की वैकेंसीज़ है। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो कुछ लोग जो कि जेन्युइनली ये तैयारी कर रहे हैं इसके लिए और जो कि आगे जाके एग्ज़ाम आराम से क्रैक करेंगे, वो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्लासेस क्यों बंद कर दी। भाई थोड़ा सा ये हो गया कि वो हो जाता है ना कि लोग उस पर ध्यान कम दे रहे थे, इस वजह से उसे मैंने रोक दिया और सोचा कि अब न्यू ईयर में अच्छे से ही स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अब रुकने वाले नहीं हैं, चाहे जैसे भी चले तैयारी चलती रहेगी क्योंकि अब ज़रूरी है। और वैसे भी कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, तो वो लोग तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो ज़रूरी है और उस पर आप भी कर सकते हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पर बात हो रही है नेवी की, तो नेवी के लिए वैकेंसीज़ के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपके नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो कन्फर्म नहीं थे, मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, ये चीज़ें थी उस में। ठीक है, आप लोग भी बोल रहे थे कि कोई प्रूफ हो तभी बताओ, है ना, तो वो चीज है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, डेट ऑफ बर्थ के बारे में अभी किसी को नहीं पता है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी चीजें क्लियर होंगी कि डेट ऑफ बर्थ क्या हो रही है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है। क्या ये कुछ देंगे ऐसा रिलैक्सेशन या फिर नहीं देंगे, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी भी क्लियर कर दूं आपको, जो कि मुझे बहुत क्लोज लोगों ने, जो कि इंडियन नेवी में हैं, ये बोल सकता हूँ मैं, वैसे लोगों ने कंफर्म किया कि जिस तरीके से आपको ज़रूरत है ना इंडियन नेवी की वैकेंसीज की, उससे कहीं ज़्यादा, यानी आपको अगर 100% ज़रूरत है इसकी, तो उन्हें 101% ज़रूरत है आपकी, कैंडिडेट्स की,
मैन पावर की, तो इसलिए आप घबराओ मत, वैकेंसीज बहुत जल्दी आ रही हैं और जो बताया गया है कॉल रिकॉर्डिंग में वो सुनोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। डेट ऑफ बर्थ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो भी होगा आगे हम लोग देख लेंगे। बाकी आप तैयारी पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो उतना करो, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं आपका साथ देने वाली है चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी, ये चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, इतनी चीजें क्लियर कर दी मैंने, एक बार आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर, सर पूछ रहे हैं कि नेवी एमआर का वो क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट कब आएगा सर? ये अगर फाउंडेशन कर लीजिएगा ठीक है। और सर पूछ रहे हैं कि एसएसआर डबल एमआर का वैकेंसी कब तक आएगा? नहीं वैकेंसी आ जाएगी, देखिए स्टार्ट तक आ जाएगी, अपना मंथ स्टार्ट में आ जाएगी। कहाँ कब तक? मंथ स्टार्ट में आ जाएगी, आप सिर्फ वेट कर लीजिए इसकी। अच्छा, जनवरी स्टार्ट तक वेट कर लीजिए, जैसा भी होगा आ जाएगा, तो आपको वो भी ऑफिशियल साइट पे डाल दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो आई होप कि आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया ना। अब देखो, आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसा कि उन्होंने बोला है, ऑफिशियल्स ने बोला है कि एमआर की मेरिट के लिए उन्होंने क्लियर बता दिया फरवरी में, और उसके बाद जो इनकी वैकेंसीज है एमआर एसएसआर एंड डबल ए, इसके लिए उन्होंने बोला कि मंथ स्टार्ट मीन्स कि जनवरी के स्टार्ट में ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर कॉल करा था, उसके बाद मुझे ये कॉल रिकॉर्डिंग सेंड करी। तो यहाँ पे मंथ स्टार्ट में, दैट मीन्स कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वैकेंसीज रिलीज कर दी जाएंगी, इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें बोली गई हैं ये ऑफिशियल्स की तरफ से बोली गई हैं और कुछ भी फेक नहीं है। अगर वो देख रहे हैं मेरी वीडियो को जो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास सेंड किए थे, तो प्लीज़ भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार कंफर्म भी कर देना, ताकि ये सही रहता है। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना अगर आप देख रहे हो तो ये चीज़ है, वो कमेंट भी कर देंगे, आप खुद भी देख पाओगे। और आप अब खुद कॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग बोलेंगे कि जल्दी ही, दैट मीन्स कि इसी मंथ आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज़ की जाने वाली हैं, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी डिले कर चुके हैं इन चीज़ों को। और वैसे ही देखो, एक बार वैकेंसी हो गई, ख़त्म हो गई, कब वो हमारा जुलाई अगस्त या फिर जून जुलाई जो भी हम बोल दें, इस टाइम पे जो वैकेंसी आती है वो, तो ये दूसरी जो इनटेक है, दूसरी जो बैच है, ये बोल सकते हैं हम, लाइक जो नवंबर में जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता था, तो वो वाली है। तो यहाँ पे अब डिले करने का सवाल ही नहीं उठता है, और एमआर की मेरिट लिस्ट भी अब फेब में आएगी, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर रखना अपने दिमाग में। और जनवरी में नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स कि इसी महीने ये लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी आपसे करवा लेंगे सबमिट, और उसके बाद आपका एग्जाम मे बी मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल तक भी हो सकता है। तो फरवरी में कराने का तो बहुत कम चांस है, क्योंकि आज जनवरी में जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, सारी प्रोसेस होंगी, तो ये सब होते होते फरवरी आ जाएगी। तो फरवरी में तो मुझे नहीं लगता है, मार्च या फिर अप्रैल में ही आपका एग्जाम पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये चीज़ है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब आप तैयारी करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब इसके आगे कुछ और चीज़ बची नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं। सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है, सब क्लियर कर दिया है, और अब आपको इसके ऊपर देखकर और कैसे आपको तैयारी करनी है वो सोचनी होगी। ये चीज़ें आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं कि आप कैसे तैयारी करते हो, किस तरीके से इसे लेते हो, पॉजिटिवली लेते हो, नेगेटिवली लेते हो, कैसे लेते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ बोल दूँ, अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो ये ज़रूर मोटिवेट करेगी चीज़ें आपको, और अगर ये मोटिवेट नहीं करती है तो एक चीज़ याद रखना कि आपका मोटिवेशन का राज आप ही हो, आपसे अच्छा मोटिवेशन कोई अपने आप को नहीं कर सकता है। तो आप खुद अपने आप को मोटिवेटेड रखो कुछ टाइम तक, और जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके बाद तो मोटिवेशन अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, लेकिन पता नहीं वो कुछ दिन के लिए होगी या फिर एग्ज़ाम तक के लिए होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है तो उसके बाद हम वैल्यू नहीं करते हैं उन चीज़ों का, लाइक अब चलो ना तैयारी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ टाइम तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा। तो प्लीज़ टाइम का
और जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसका वैल्यू करो। और अगर आप कोविड 19 के टाइम में भी ये चीज़ें नहीं सीखे तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे कि जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसका वैल्यू करना चाहिए, अदरवाइज पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो अपॉर्चुनिटीज मिले या फिर नहीं। तो ये मत सोचो कि मेरे पास कितने चांस है, ये सोचो कि मेरे पास एक भी चांस है तो उसको अपना बनाना है और उस एक चांस को ही मुझे ग्रैब करना है। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप करते हो। बाकी क्लासेस आपके लिए अब आनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सवाल हो तो भी कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पर जाओ, ज्वाइन करो मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।